दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की पुनर्स्थापना लई मुहिम 14 मई तो शुरू की गई सी, जिस दी सफलता लई कमेटी वालों वख-वख संप्रदावां जथेबंदियां दा धन्नवाद कीता गया। इसे तहत एक अहम बैठक भी की गई, जिस विच अगे दी रणनीति लई विचार चर्चा की गई। इस मौके ते कमेटी दे अहुदेदारां ने संबोधन दौरान संगतां नूं एकजुट हो के इस अस्थान की प्राप्ति लई हमला मारन की अपील की। संप्रदावां दे संत समाज के रिप्रजेंटेटिव महापुरश इत्थे आए ने। एक तो धन्नवाद किया गया 14 तरीक का प्रोग्राम जिहड़ा सारियां दे उद्यम नाल बहुत वड्डे पद्धर तक पहुँचा और अगली सारियां दी राय ली गई और हरेक बंदे ने अपने तजुर्बे नाल अपने एक्सपीरियंस नाल और कई संप्रदावां जिहड़ियां उत्थों दी भावें उदासीन सी भावें निर्मले ने वह भी आए ने, वो सारे सुझाव दिते ने और सारे सुझाव 14 तरीक की मीटिंग जथेदार अकाल तख्त साहब अगे रखे जाएंगे और फिर जथेदार अकाल तख्त साहब अगला की प्रोग्राम बनेगा उस वास्ते कौम नू दिशा निर्देश जारी करेंगे और सारी कौम उसते मोल लाए। सारे संत समाज ने जिथे अपने सुझाव दिते आ, निर्मले संतान ने अपने सुझाव दिते आ, उत्ते ही ये भी सुझाव आए ने कि किस तरीके आप बाकी धर्मां दे लोगों भी नाल जोड़न का काम करिए और एक शांति मुहिम के नाल सूबे दीआं सरकारां नू दूजे धर्मां दे लोगों को एहसास कराइए कि इस तरीके गुरु नानक देव साहिब महाराज का जिहड़ा सुनेहा है वो लोकाई वास्ते आ, किसी एक धर्म वास्ते नहीं, और इस स्थान की जिहड़ी बहाली होगी उहदे नाल सारे धर्मां दा सत्कार वधदा है और गुरु साहिब दा सुनेहा जिहड़ा सीगा किसी एक वास्ते नहीं सी, वो संदेश चारे चौ वर्णों को सब जो उपदेश सांझा जिहड़ी वार्ता सी जो उस सिधांत के उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पहला भी उपराला किया हुण फिर उपराला किया, सानू यकीन है ये उपराला बहुत वड्डी कामयाबी दे अंदर रूप लेगा। मैं सेंटर की सरकार नूं भी और दोनों सूबे की उत्तराखंड की और यूपी की सरकार नूं भी समुचे संत समाज वालों अज की एकत्रता वालों ये संवेदनशील मसला है, इस नूं बड़ी गंभीरता नाल लैंदे हां शांतिपूर्वक इस दा हल करके उत्थे सतगुरां दा इतिहासिक अस्थान उस जगह पर स्थापित किया जाए जिथे ये अस्थान अपने समय के पूर्ण रूप के जिस वजूद जिस रूप के 1984 तो पहला सुभाए मान सी उस रूप दुबारा उत्थे मुड़ स्थापित किया जाए और कौम दीआं भावनावां दा पूर्ण सत्कार किया जाए। जिहड़ी एकत्रता दे विच इन्हां ने अपनी हाजरी लई एक बहुत शलाघायोग उद्यम है और असीं जी आया आखदे हां सारे निर्मल समाज नूं जिहड़ा साडे नाल जुड़िया अज इह लड़ाई होर वधे ते इक लग वधदी है और उदासीन संत वी सारे इत्थे पहुंचे ने, सो इन्हां दा वी असीं धन्नवाद करदे हां और आने वाले समय से मन लगता है कि सारिया संप्रदावान चाहे वह न्यांग सिंह जथेबंदी हो चाहे नानक संप्रदाय चाहे टकसाल है चाहे उदासीन ने चाहे निर्मल ने सारे आप रल के और राणा साहब संप्रदा वो भी नाल सारे जुड़े ने, तो मन लगता है कि आने वाले समय से एक बहुत व्डा जरा उद्यम श्री अकाल तख्त किया गया उन्होंने रहनुमाई के श्री अकाल तख्त समर्पित होकर आप सारी लड़ाई लड़ांगे और बड़ी निम्रता सहित आप लड़ाई जितेंगे भी उत्थे स्थान बनावांगे। मैं अज मुबारकबाद दिना और मैं लगता है कि गुरु कृपा करेगा जो संगत ने पूरे विश्व के अंदर जपजी साहब के पाठ करके अरदास की है और ये सफलता भी होएगी और आने वाले टाइम के विचकार गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी पुनः स्थापन होएगा और उस स्थाप होकर वो पंथ के हवाले होएगा कि जिहड़े भी गुरुद्वारे पंथ तो विछोड़े गए हैं, केवल पाकिस्तान के गुरुद्वार की गल नहीं, जिहड़े भी गुरुद्वारे पंथ तो विछोड़े गए उन्हां दी सेवा सवाल खालसा पंथ करे। और एक गल होर मनजीत सिंह जी के उन्होंने क्लीयर करती है कि असी एक प्रबंध जिहड़ा है वो लोकल संगत करेगी मर्यादा।